नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र विश्राम चैनल पर। रोज तुलसी को पानी डालने से क्या होता है? हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसीलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी भी दरिद्री नहीं रहता, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं इस महान कथा के माध्यम से। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं, इसे नित्य जल क्यों देते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व तो जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात जगत जननी है, लक्ष्मी का रूप है। इसकी नित्य पूजा करने से करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गत नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं गिरता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य ही होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि वह देवी है, विष्णु प्रिया है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा नहीं लगाना चाहिए, अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाना चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर जाता है या गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन तुलसी को जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे मां तुलसी रूठ जाती हैं और सूख जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचक या सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है।
सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी करना वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों पर चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। तुलसी के पास मरुस्थली पौधा लगाना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया कि जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो उसके स्थान पर कांटे निकलते हो तो ऐसे पौधे को तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु जी का निराकार रूप माना गया है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घरों से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया कि भगवान विष्णु जी की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर इस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम नकारात्मकता सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। यानी कि आपके घर में सात्विकता और यानी कि सात्विकता का प्रभाव छोड़ देते हैं, ऊर्जावान बने रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय माँ तुलसी जरूर लिखें। आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी, जय तुलसी माँ।